गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मौजे सामने हजरात, मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सबके रहनुमा संसद रत्न, इस देश के संविधान को बचाने वाले संविधान रक्षक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के हमारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, और आज ये जो शानदार महफिल सजाई है ऐसे ही हमारे वरिष्ठ नेता शकील पटेल साहब, नागपुर जिले के प्रभारी अली जनाब निसार सिद्दीकी साहब, जावेद अख्तर साहब, नागपुर शहर अध्यक्ष जनाब शुएब अहमद साहब, और मंच पर उपस्थित तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, और यहाँ विशाल जनसमूह में जो लोग आए हुए हैं मेरे भाई साथी और मेरी इज्जतदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज का ये जलसा दक्षिण नागपुर टीम की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आमद पर हालत हाजरा, और जो हमारे आगामी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रखा गया है। इस जलसे के माध्यम से हम आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारगर्दगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर के अलावा आज महाराष्ट्र के अंदर में, तेलंगाना में, ऐसे करके 16 स्टेट के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। पिछले दिनों खुशी की बात है, पिछले दिनों मुंबई के अंदर में इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला नेशनल कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर में पूरे हिंदुस्तान से 16 स्टेट के प्रेसिडेंट वहां शामिल हुए। तो ये आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मौजूद है और वहां पर मजलूमों की, दबों की, बिछड़ों की आवाज बन रही है और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में, चाहे वो हॉस्पिटल के मामले हो, एजुकेशन के मामले हो, लोगों को रोजगार देने के मामले हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल वहां पर लोगों की मदद कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर गरीबों की मसीहा बनी हुई है। डॉक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे तेलंगाना के लीडर भी है, वो आज 11,500 बच्चों को मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई एक ऐसा नेता है जो ये काम कर रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति तो करती है मगर साथ में समाज के लिए दबे हुए बिछड़ों की मदद भी करना जानती है। साथियों, 2013 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर में आई है और मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर लोगों के लिए काम किया है। अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दक्षिण नागपुर की टीम की जो मेहनत थी, इस मेहनत की बदौलत ताजाबाद के अंदर में नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से करोड़ों रुपए के फंड यहां आवंटित किए गए ताकि इस यहां के एरिया का डेवलपमेंट किया जाए। जो यहां के कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने क्या किया ये आप सबके सामने है। 5 सालों के अंदर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मलाई खाई और टेंडरों के ठेके लिए, अपने साथियों को ठेके दिलाए और कमीशन खाकर अपनी जेबों को भरा, मगर इस ताजाबाद क्षेत्र के अंदर में कोई विकास का कार्य नहीं किया और यहाँ की जनताओं को आज भी छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर नाली के लिए, पानी के लिए, गटर के लिए उन लोगों के बीच में जाना पड़ता है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को उनका सबक सिखाया जाए और जो लोग आपके बीच में आकर काम कर रहे हैं उनको साथ दिया जाए और उनको ऐवानों में भेजा जाए ताकि आपकी आवाज वहां बन सके और आपके एरियों का डेवलपमेंट वहां हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल कार्य कर रही है। पिछले 3-4 सालों के अंदर में जो यहां पर कार्य हुए हैं, चाहे वो CA NRC का आंदोलन हो, जो लोग सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को कहते हैं वो अपने घरों के अंदर में बैठे हुए थे, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी जो फ्रंट फुट पे आकर हर शासन और प्रशासन से मुकाबला कर इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में संभाल कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आंदोलन हो रहे थे, नागपुर के अंदर में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नागपुर में किया है। जब कोविड का समय आया तो ये जो हमारे कॉरपोरेटर थे ये घरों में घुसे हुए थे, मगर मुझे फर्क है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम थी जो सड़कों पे निकलकर
मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की, हर उस शख्स की मदद कर रही थी। जिसे खाना नहीं मिल रहा था उसे खाना खिला रही थी, जिसे कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े पहुंचा रही थी। और इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक काम ऐसा है जो मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं, जो अभी तक हमने किसी स्टेज से शेयर नहीं किया, मगर अब वक्त आ गया है वो उस काम भी आपके सामने लाया जाए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम थी जब कोरोना के अंदर में लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज थे जो अपनी जानों पर खेलकर उन लोगों की लाशों को, चाहे वो कब्रस्तान हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो गुरुद्वारों की हमारे सरदार भाइयों की मैयत हो, उनकी मैयतों को दफन कर रहे थे और उन्हें शमशान घाट पहुंचाने का काम यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। तो साथियों, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम है। हम चाहते हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए, हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि दक्षिण नागपुर के इस ताजाबाद क्षेत्र के अंदर में हमारे शकील पटेल साहब, इसहाक मंसूरी साहब के नेतृत्व के अंदर में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमें फख्र है। हम लोगों से कहते हैं कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नागपुर में काम देखने आया तो जाके ताजाबाद शरीफ के अंदर में देख लो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले महानगर पालिका के अंदर में इन लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए। अगर इनके हाथ मजबूत होंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ अगर मजबूत होंगे तो आप सबके साथ में इंसाफ किया जाएगा। आप सबके साथ में जो इस देश के अंदर में जो हो रहा है वो नहीं होगा। ये सब क्यों हो रहा है? आज हमारी ताकत नहीं है। एक वाहिद सांसद और अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब मिलके दो सांसदों ने जो ताकत से काम किया है, ये ताकत थी कि आज बहुत सारे बिलों के ऊपर में सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आपसे यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए। बस यही आपसे दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।